वेलकम बैक टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। शवाई गोट फार्म पे हूँ मैं मोहम्मद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद भाई ये एक सीरीज़ है जिसका इंतज़ार लोगों को बेसब्री से होता है जी, क्योंकि आप वो बेचने वालों में से नहीं हो, ना तो वो पलाई करने वालों में से हो जी। आप साल में एक मरतबा आते हो, दर्शकों को चेहरा और बकरे बताते हो जी, और हमारे को भी बकरे बेचते हो। पिछले आई थिंक 4 या 5 साल से आप ही से ले रहे हैं माशाल्लाह। और इस साल कितने बकरे हैं बिक्री के लिए हमारे पास? फत भाई कुछ 450 बकरे हैं, जिसमें से कुछ 150 के आसपास बकरे बिक चुके हैं। ओके, सब बड़े बड़े बिक गए क्या? बड़े हैं? नहीं, हैं बकरे, हैं 130-135 किलो के बकरे हैं अभी। ओके मोहम्मद भाई, हम कोई भी वीडियो में ना प्राइस तो नहीं बताते, नहीं ठीक है, बट मैं इन बकरों की प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ। आप ये बता सकते हो ये रेंज से लेके ये रेंज तक के शवाई गोट फार्म पे बकरे मिलेंगे तो लोग आ सकते हैं वॉक इन? आप ऐसे समझ लो कि 120-125 किलो का 1.25 लाख रुपए का बकरा देते हैं। सो 120 किलो का बकरा, 120 से 25 किलो 1.25 लाख रुपए में, विच इज़ फेयर इनफ मोहम्मद भाई, क्योंकि मैं गांव जाके आया हूँ और बहुत सी जगह भी पूछा हूँ, बहुत महंगे महंगे बकरे आ रहे हैं, प्राइस इतना बढ़ गया क्या? पूछो मत। हाँ, अभी खिलाई उलाई भी महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, आगे से बकरे महंगे आ रहे हैं, वो हिसाब से हर साल तो ये समझ लो कि 1.25 क्विंटल का बकरा 1.25 लाख का तो आज 5 साल से बिक रहा है। मोहम्मद भाई लास्ट ईयर बहुत से लोगों का माल रुक गया था, आपकी क्या स्थिति थी लास्ट टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ तो बकरे नहीं बचे थे सारे, दस से पाँच बकरे बचे थे, बाकी सारे बकरे सोल्ड आउट है, सारे बिक गए थे माशाल्लाह। अभी जो है आपने कुछ प्रमोशन किया नहीं, फिर भी 150 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बिक गए आपके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वॉक इन आता रहता है, दैट इज द एडवांटेज, बिकते रहते हैं फादर। ठीक है मोहम्मद भाई, इस साल सबसे हैवी वेट बकरा कितने किलो पे है? एक बकरा मेरे पास था, अगर वो होता तो कुछ 160 किलो का होता, मगर वो बकरा चला गया, बिक गया 3.5 महीना पहले। नहीं, बिक गया क्या? किसी बिक गया, बिक अभी गया। एक बकरा है जो 150 किलो पे है, ये दो में से कोई एक, ये 150 किलो का बकरा है। हाँ 150 किलो का बकरा। ये आपने वजन कराया है इसका? हाँ 150 किलो होगा इंशाल्लाह, इससे पहले काटा किए तो था। ओके, वजन करा के बता दें क्या ऐसी, मैं लोगों को ये भी बता देंगे वजन करा, मैं लोगों को ये भी बता दूं कि मोहम्मद भाई तकरीबन 100-150 बकरे पालने की क्षमता रखते हैं नेक्स्ट ईयर। हाँ, और आप पलाई पे बकरे लोगे 100-150? हाँ हाँ, थोड़ा कमी कम पकड़ के, राइट। और रेट भी बता दे मोहम्मद भाई, क्या रेट रहेगी हमारी? 2500 रुपए लेंगे बकरे। कितने भी किलो का बकरा हो, हाँ, अंडुल हो, खस्सी किलो का हो, चाहे 150 किलो का, चाहे 50 किलो का। अंडुल जो है कहाँ पे बांधोगे? कोई कोटा ला के रख दिया आपके पास तो? अंडुल कोशिश करेंगे नहीं पालने के लिए, क्योंकि वो दूसरे बकरों को तकलीफ देते हैं। ओके, कोटे नहीं पालोगे, सोजत वोजत अंडुल तो पाल लोगे ना, जैसे काफी पल रहे हैं। हाँ हाँ, सोजत ऐसे कुछ लोग ऐसा दोस्ती यारी में मना नहीं कर पाते तो पाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अंडुल ही पालते हैं लोग। हाँ ठीक है, बकरे लेके आइए, यहाँ पे 3500 रुपये पलाई है चार्ज, और बकरे ऐसे बन के मिलते हैं मोहम्मद भाई। हाँ, अच्छी क्वालिटी के बकरे रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा बन के मिलेंगे। मोहम्मद भाई बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े बकरे लेके आते हैं और वो बेचते हैं, हमारे वहाँ कैसा है? हम छोटे बकरे ला के बड़ा करते हैं या मिड साइज ला के बड़ा करते हैं, क्या बड़े ही लाते हैं एंड में? कुछ हम बड़े भी लेके आते हैं, क्योंकि साल में कैसे बड़े करेंगे उनको। सही बात है। तो कुछ बकरे जो है ना 100-110 किलो, 105 किलो, 80-90 किलो के लेते हैं, तो वही बकरे 150-130 किलो पे जाते हैं, क्योंकि 3 साल से पहले कोई बकरा 150 किलो का तैयार नहीं होता है, 3 साल उसको लगता है। एग्जैक्टली, तो उसकी एज होनी चाहिए वो हिसाब की, और वो हिसाब का बकरा भी होना चाहिए जब ही बनेगा वो। तो ये बात आपने बहुत सही की कि 3 साल लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने तो लास्ट ईयर बच्चा लिया था, अभी 1.5 साल में देखो कितना अच्छा बन गया, ऐसे नहीं होता। सारे बकरे बनते भी नहीं है, जो बकरे में कैपेसिटी होती है उसके अंदर उतनी क्वालिटी होती है, उतना उसकी जात का अच्छा होता है तो बनता है, नहीं तो नहीं। मोहम्मद भाई 150 किलो का बकरा या समझो 140 kg के क्रॉस गया, शवाई पे कितने किलो पे, कितने रुपए में बिक जाता है बकरा अभी? अप्रोक्सीमेटली
3 लाख रुपए पकड़ के चलिए, एक्सट्रीम गया 150 किलो तो। हाँ हाँ, ऐसे तो आमतौर से लोग 2 लाख के नीचे, 1.5-2 लाख के नीचे नहीं देते, मगर मैं 3 लाख रुपए में दे देता हूँ। अदरवाइज 125 kg तक के बकरे 1.25 लाख में मिल जाते हैं। हाँ, 1.25 लाख रुपए में। कोई भी नस्ल का हो, गुजरी हो, हाइट हो, बकरा अच्छा होना चाहिए। बकरा अच्छा नहीं रहेगा तो कम पैसे भी आते हैं। ओके, उससे कम का भी बिकता है। बकरे में क्वालिटी रहती है, अच्छा रहता है तो बिकता है, ये तो कम का बिकता है, लाख का भी बिकता है, उसके अंदर भी बिकता है। चलिए, बहुत जैसा बकरा रहता है। ये बेच चुके हो आपने? हाँ, ये बिक चुके हैं। और ये वाला हमारे एक दोस्त है अबा भाई करके, वो नासिक में रहते हैं, वो लिए। ओके, इनका वजन करा के बताया कि शवाए पे ऐसी भी तैयारी होती है। और ये कितने किलो पे आपके पास आए थे मोहम्मद भाई? ये लगभग कुछ 132 किलो पे था। ओके, 3.5 महीना पहले। फिर भी 150 किलो पहुँचाना हर बकरा तो इतनी गर्मी में तो नहीं होगा। नहीं, ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बकरे तैयार हुए। लेट्स शो, ये कुछ 128-130 किलो पे होगा, और ये बकरा जो है 150 किलो पे। चलिए आइए, एक का वजन करा ले, उसको रहने दो। ये बता दें कि भाई ये वजन के बकरे भी यहाँ पे मिलते हैं। माशाल्लाह, लुक एट द साइज। गर्मी कुछ 3-4 या 5 किलो में 145 भी होगा तो नहीं, उससे तो ज्यादा आएगा, 1-2 किलो आगे पीछे हो सकता है, 1-2 किलो क्योंकि गर्म की वजह से। माशाल्लाह, तो ऊपर ही है समझो, 150.1-150.2, 150 किलो का बकरा है। ठीक है, जो वैसे ये बकरा जो है नॉट फॉर सेल, ठीक है, लेकिन आपको पलाई पे रखना है बकरे, वहीं पे रहने दो एक मिनट। अगर आपको पलाई पे रखना है बकरे, कॉल कीजिए मोहम्मद भाई या जलाल भाई को। एंड बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम, ये मोहम्मद भाई का मेरा बेटा, है रेहान। हाउ मेनी, कितने बच्चे हैं आपको? 5 बच्चे। और किसी को भी बकरों में इंटरेस्ट है? अभी इनको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रेहान ने मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार बकरा पकड़ा होगा मेरे ख्याल से 20 साल में। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे तो रेहान, यू टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। हाँ, ठीक है, चलिए चलिए महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जो है बिक्री के लिए नहीं है, इवन दिस वन इज नॉट फॉर सेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।